नमस्कार दोस्तों एन एस लेक्चर सीरीज में आप सबका बहुत स्वागत है दोस्तों इस वीडियो से जो हमारा आर सी नेटवर्क है उस आर सी नेटवर्क को हम सिंथेसाइज करेंगे विद हेल्प ऑफ फोस्टर वन फॉर्म तो यहाँ पे विद हेल्प ऑफ एग्जांपल मैं कंप्लीट स्टेप्स को एक्सप्लेन करूँगा जेड ऑफ एस इज़ एस प्लस वन एस प्लस फोर डिवाइडेड बाई एस एस प्लस टू एस प्लस फाइव ये आपका इम्पिडेंस फंक्शन दे रखा है और आप जब जेड आर सी जो आर सी नेटवर्क का इम्पीडेंस फंक्शन होता है उस फंक्शंस की प्रॉपर्टी जब चेक करेंगे तो ये एग्जांपल उन सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा इसका मतलब ये जो आपका जेड ऑफ एस है ये आपका आप लिख सकते हो जेड ऑफ आर सी ऑफ एस है राइट फोस्टर वन फॉर्म्स हमें यूज़ करनी है तो हमें पता है कि फोस्टर वन फॉर्म है इट इज़ वैलिड फॉर द इम्पीडेंस फंक्शन ओनली अच्छी बात है कि इम्पिडेंस ऑलरेडी दे रखा है तो इसके लिए आप क्या करेंगे इसके लिए आप सबसे पहले डिनोमिनेटर की पावर ज़्यादा है नोमिनेटर की पावर कम है तो आप पार्सियल फ्रैक्शंस करके कांस्टेंट वैल्यूज़ को निकाल लीजिए उसके लिए हम क्या करेंगे दैट इज़ एस प्लस वन इंटू एस प्लस फोर डिवाइडेड बाई एस इंटू एस प्लस टू इंटू एस प्लस फाइव राइट right? अब इस एस फैक्टर के लिए मैं क्या लिखूंगा ए दैट इज ए अपॉन एस प्लस ये जो फैक्टर है आपका डिनोमिनेटर का एस प्लस टू इसके लिए मैं लिखूंगा बी डिवाइडेड बाई एस प्लस टू तीसरा फैक्टर है एस प्लस फाइव इसके लिए लिखूंगा सी अपॉन एस प्लस फाइव अब दोस्तों आप एल सी एम ले लीजिए जब एल सी एम लेंगे तो ये वैल्यू और यहाँ का जो एलसीएम है वो कैंसिल आउट होगा यहाँ बचेगा एस प्लस वन मल्टीप्लाई एस प्लस फोर और यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो ये फैक्टर कंसिडर नहीं होगा इन दोनों फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन ए के साथ होगा इसका मतलब इनका मल्टीप्लीकेशन होगा एस प्लस टू मल्टीप्लाई एस प्लस फाइव बी के साथ क्या होगा बी के साथ जो बी के नीचे फैक्टर है वो नहीं होगा एस और ये फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा बी इन एस मल्टीप्लाई एस प्लस फाइव इसी के साथ आपका सी भी होगा सी के नीचे जो फैक्टर है उसको छोड़ के बाकी दो बचे फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे आई होप एलसीएम लेना आपको आता है ये हो गया राइट अब इसके बाद कंप्लीट इसको सोल्व कर लीजिए लेफ्ट हैंड साइड जो इक्वेशन है राइट हैंड साइड जो इक्वेशन है उसके कोफ़ियंट्स को आप कंपेयर कर लीजिए तो ये बन जाएगा एस स्क्वेयर प्लस एस प्लस फोर दैट इज़ यहाँ से क्या मिलेगा ए इंटू एस स्क्वेयर सेवन एस प्लस टेन प्लस बी एस स्क्वेयर प्लस फाइव बी एस प्लस सी एस स्क्वेयर प्लस टू सी इंटू एस यहाँ से जो s की पावर टू है उसके कोफिशियंट कंपेयर करा लीजिए s की पावर वन है उसके कोफिशियंट कंपेयर करा लीजिए और कॉन्स्टेंट टर्म्स को कंपेयर कर लीजिए तो हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग कोफिशियंट्स कोफिशियंट्स कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट साइड की इक्वेशन क्या है एस स्क्वेयर प्लस फाइव एस प्लस फोर और यहाँ एस स्क्र के टर्म्स एक साथ लिख लीजिए ए बी और सी दैट इज ए प्लस बी प्लस सी इंटू एस स्क्वेयर अब एस के एक साथ लिख लीजिए सेवन ए प्लस फाइव बी प्लस टू सी इंटू एस और जो कॉन्स्टेंट टर्म्स है उसका लिख लीजिए वो बचेगा आपका टेन इंटू ए तो कॉन्स्टेंट टर्म्स को जब कंपेयर किया तो क्या बना फोर इज इक्वल टू टेन ए तो ए क्या बना ए आपका यहाँ से बनता है डायरेक्टली पॉइंट फोर पहली वैल्यू आ चुकी है एस की पावर टू के कोफिशेंट्स को कंपेयर करो दैट इज ए प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू वन इसका मतलब जब आप यहाँ ए पुट करेंगे पॉइंट फोर तो बी प्लस सी दैट इज़ पॉइंट सिक्स ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी और जब एस की पावर वन कोफिशियंट कंपेयर करेंगे तो यहाँ से बनेगा सेवन ए प्लस फाइव बी प्लस टू सी दैट इज़ इक्वल टू फाइव तो ए को यहाँ पुट कर दीजिए ये क्या बनेगा सेवन इन टू पॉइंट फोर दैट इज़ टू पॉइंट एट ये आपका इस साइड चला जाएगा तो ये बनेगा फाइव बी प्लस टू सी फाइव माइनस टू पॉइंट एट दैट इज़ टू पॉइंट टू टू पॉइंट टू ये आपका थर्ड इक्वेशन होगा तो फर्स्ट एक, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन यहाँ लिख लीजिए ये बन जाएगा आपका बी प्लस सी दैट इज़ पॉइंट सिक्स और फाइफ बी प्लस टू सी दैट इज़ टू पॉइंट टू आई होप दो वेरिएबल हैं और दो ही इक्वेशन हैं तो कैलकुलेटर की हेल्प से आप इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं ये वन है बी का सी को, का कोफिशेंट भी वन है और कांस्टेंट है आपका पॉइंट सिक्स ए टू आपका फाइफ है ये आपका टू है और ये आपका टू पॉइंट टू है तो जो आपका बी बना वो है पॉइंट थ्री थ्री ये आपका सेकंड कांस्टेंट वैल्यू आ चुकी है और जो नेक्स्ट है सी ये आपका मिलेगा सी इज टू पॉइंट सिक्स सेवन तो ए बी एंड सी तीनों आपके आ चुके हैं अब आपको क्या करना है सिंपली ये जो इक्वेशंस थी बाई पार्ट्स के लिए इस इक्वेशन में इन वैल्यूज को पुट कर देना है बहुत सिंपल स्टेप्स हैं अब देखो यहां ये इक्वेशन क्या थी जेड ऑफ एस तो यहां मैं लिखूंगा जेड ऑफ एस दैट इज ए अपॉन एस ए क्या है पॉइंट फोर डिवाइडेड बाई एस प्लस फिर बी अपॉन एस प्लस टू बी क्या है पॉइंट थ्री थ्री तो ये मैं लिखूंगा पॉइंट थ्री थ्री डिवाइडेड बाई एस प्लस टू प्लस फिर सी क्या है टू पॉइंट सिक्स सेवन तो इसको लिख लीजिए दैट इज टू पॉइंट सिक्स सेवन डिवाइडेड बाय सी का फैक्टर नीचे है एस प्लस फाइव ये है तो यहाँ जेड ऑफ एस आ चुका है इसका मतलब क्या हुआ अगर ये जेड ऑफ एस है तो इसको मैं मान लेता हूँ जेड वन है इसको मैं मान लेता हूँ दोस्तों जेड टू है और इसको मैं मान लेता हूँ जेड थ्री है तो अलग अलग Z1, Z2, Z3 एडिशन में है इसका मतलब Z1, Z2, Z3 आपका एडिशन में तभी हो सकता है जब ये सीरीज़ में कनेक्ट हो क्योंकि इम्पीडेंस सीरीज में हमेशा ऐड होते हैं तो एक जर्नल प्रोटोटाइप यहाँ से मैं बना सकता हूँ कि जो भाई Z ऑफ S हमें नेटवर्क सिंथेसिस करना था वो कुछ ऐसा बनेगा एक आपका बनेगा जेड ये बॉक्स है ये जेड का बॉक्स है दूसरा जो बॉक्स है वो Z2 का बॉक्स है सीरीज़ में जुड़ेगा तीसरा जो बॉक्स है वो Z3 का बॉक्स है वो भी आपका इनके साथ सीरीज में जुड़ जाएगा और इस टाइप से मेरा कुछ सर्किट इन जनरल दिखेगा लेकिन Z1 क्या है Z1 है आपका 0.4 फोर डिवाइड बाई एस लेकिन हमें पता है कि Z अगर दे रखा है और डिवीजन में अगर एस है तो वो मैं वन अपॉन सी एस इस फॉर्म से कंपेयर करता हूँ तो यहां से पता लग जाता है पॉइंट फोर को नीचे लिख दो यानी वन अपॉन कितना होगा पॉइंट फोर को अगर नीचे लिखोगे तो क्या बन जाएगा यहां से वन अपॉन सी एस फॉर्म्स में कन्वर्ट करना है तो पॉइंट फोर को वन यहां लिख सकता हूँ एस के साथ वन अपॉन पॉइंट फोर तो वन अपॉन पॉइंट फोर कितना हो जाएगा वो वैल्यू आपकी वन अपॉन पॉइंट फोर आ जाएगी और ये वैल्यू होती है दोस्तों आपकी टू पॉइंट फाइव फेरेड यानी यहाँ से कैपेसिटर आ चुका है तो जो जेड ऑफ एस का एक्चुअल में नेटवर्क सिंथेसिस हमें करना था उसमें जो फर्स्ट है जेड वन इस जेड वन की हेल्प से यहाँ कैपेसिटर आ चुका है और वो कैपेसिटर है टू पॉइंट फाइव वैल्यू के साथ अब हम बात करेंगे जेड टू जेड टू क्या है जेड टू है वही पॉइंट थ्री थ्री डिवाइडेड बाई एस प्लस टू अब हमें पता है कि ऊपर जो फैक्टर है वो एस प्लस टू है नीचे जो फैक्टर है अगर हम ऐसे फैक्टर्स में उलझ जाते हैं सिंपल वन अपॉन सी एस या एक कॉन्स्टेंट वैल्यू नहीं मिल पाती है तो हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे जेड टू को मैं अब वाई टू लिख सकता हूँ यानी नोमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दो और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बना दो कुछ ऐसा हो गया अब इसको मैं अलग अलग पार्ट्स में भी लिख सकता हूँ कैसे लिखूँगा एस डिवाइड बाई पॉइंट थ्री थ्री प्लस टू डिवाइड बाई पॉइंट थ्री थ्री अब ये देखिए अगर आपका एडमिटेंस फंक्शन है और वो एस समथिंग है मान लीजिए तो वो क्या लिखा जाता है एडमिटेंस फंक्शन में कभी भी आप अगर चेक करेंगे तो ये हमेशा सी इंटू एस फॉर्म्स में बनता है इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से c इंटू एस फॉर्म में कंपेयर करूंगा तो इस इस फंक्शन से मेरी c की वैल्यू आ चुकी है और वो वैल्यू है वन अपोन पॉइंट थ्री थ्री तो ये है आपकी वन अपोन पॉइंट थ्री थ्री क्योंकि s का जो कोफिशियंट है वो c होता है इस फैक्टर में s के साथ जो कोफिशियंट है वो वन अपॉन पॉइंट थ्री थ्री है ये कैपेसिटर है ठीक है और ये क्या है टू अपोन थ्री थ्री ये वैल्यू क्या होगी देखो एडमिटेंस में अगर कांस्टेंट वैल्यू है तो ओम इनवर्स वैल्यू होगी यानी ये कितना बन जाएगा टू डिवाइड बाय पॉइंट थ्री थ्री ये वैल्यू आपकी सिक्स समथिंग आ गई यहाँ से अगर आप रेजिस्टेंस निकालोगे तो एडमिटेंस देखो एडमिटेंस वाई टू है ये दोनों फैक्टर एडिशन में है इसका मतलब इन दोनों फैक्टर्स के जो कंपोनेंट होंगे वो पैरेलली जुड़ेंगे क्योंकि एडमिटेंस जब पैरेलल में होता है तभी जुड़ता है और यहाँ पे अगर कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो उस कॉन्स्टेंट वैल्यू का रेसिप्रोकल ही रजिस्टेंस होगा इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हमें रजिस्टेंस मिला और वो रेजिस्टेंस क्या होगा इस कांस्टेंट का रेसिप्रोकल वैल्यू यानी वन अपॉन सिक्स ओम ये आपकी वैल्यूज़ आ चुकी हैं और ये दोनों आपके किस में होंगे हंड्रेड परसेंट ये पैरेलल में होंगे क्यों क्योंकि एडमिटेंस फॉर्म्स बना के हमने इन वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई किया है तो इसका मतलब Z2 टू जो ब्लॉक था इसमें इनफैक्ट मैंने वाई टू बनाया और उससे मेरा आर और सी निकल के आया है तो जो सी है वो आपका है यहाँ पे और जो आर है दोस्तों वो आपका है यहाँ पे तो आर वैल्यू है कितनी वन बाय सिक्स ओम ठीक है और जो सी वैल्यू है वन अपॉन पॉइंट थ्री थ्री इसका मतलब ऑलमोस्ट दैट इज इक्वल टू थ्री फेरेट ये वैल्यू आपकी आ चुकी है अब मैं ऑपरेट करना चाहता हूँ जेड थ्री पे जेड थ्री का एक्सप्रेशन क्या है जेड थ्री का एक्सप्रेशन है टू पॉइंट सिक्स सेवन डिवाइडेड बाई एस प्लस फाइव अब हमें पता है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स में नहीं है तो इसका मतलब जेड थ्री को अब मैं वाई थ्री में कन्वर्ट करूँगा और ये क्या बनेगा एस प्लस फाइव ऊपर जाएगा एंड टू पॉइंट सिक्स सेवन नीचे आएगा इसको आप अलग अलग फैक्टर्स में डिवाइड कर लीजिए ये बन जाएगा एस डिवाइडेड बाई टू पॉइंट सिक्स सेवन प्लस फाइव डिवाइडेड बाई टू पॉइंट सिक्स सेवन अब y है y के टर्म्स में अगर वेरिएबल आपको निकालना है तो क्या होगा ये बनता है c इन टू एस अगर एडमिटेंस है तो वहां से अगर कैपेसिटर निकालो तो वो c इन टू एस फॉर्म्स में मिलेगा और s का जो कोफिसियंट है वो क्या है s का कोफिशियंट है वन अपॉन टू पॉइंट सिक्स सेवन यानी यहाँ से बेटे आपका कैपेसिटर निकल चुका दैट इज वन अपॉन टू पॉइंट Six, seven farad. और ये 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 आपकी आपकी क्या है? है है आ चुकी है. One point eight seven something. लेकिन अगर मैं इस वैल्यू का रेसिप्रोकल वैल्यू लूंगा तभी मेरा वो ओम्स आएगा क्योंकि एडमिटेंस की यूनिट ओम इनवर्स होती है इसके साथ अगर ये फैक्टर कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो ये ओम इनवर्स में है इस फैक्टर का रेसिप्रोकल करेंगे तो वो आपका ओम्स बन जाएगा यानी यहां से एक रजिस्टेंस मेरा आ चुका है और उस रजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी आपकी ये जो सी है आपका यहां से जो सी वैल्यू मिली थी वो ये चलो ठीक है यहाँ से आप इस वैल्यू को रे, रे, जो इसका रेसिप्रोकल वैल्यू है उसकी आप वैल्यू यहाँ निकाल लीजिए इसका मतलब यहाँ पे एक कैपेसिटर है और एक आपका रजिस्टर है एडमिटेंस की वजह से ये दोनों वैल्यू निकली हैं ये दोनों फैक्टर आपके एडिशन में थे यानी एडमिटेंस आपका एडिशन में तब होगा जब ये दोनों वैल्यू पैरल होंगी तो इसका मतलब जो जेड थ्री का बॉक्स था वो वाई थ्री को सोल्व करते हुए हमें कंपोनेंट uh, आइडेंटिफाई हुए हैं इसका मतलब यहाँ भी एक कैपेसिटर होगा और यहाँ एक रजिस्टर होगा तो इस टाइप से आपका पूरा नेटवर्क बनेगा ये कैपेसिटर है ये आपका रजिस्टर है इनकी वैल्यूज़ आपके सामने आ चुकी हैं यहाँ अगर हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की है तो एक बार फिर से हम चेक कर लें इसकी वैल्यूज़ क्या बनती है तो ये आपका क्या होगा uh, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है इसीलिए मैं फिर से चेक करना चाहता हूँ यहाँ बी आपका वन है सी के साथ आपका वन है ये आपका पॉइंट सिक्स है बी के साथ अब फाइव है सेकेंड इक्वेशन सी के साथ टू है कॉन्सटेंट आपका टू पॉइंट टू है तो यहाँ से जो बी वैल्यू है वो पॉइंट थ्री थ्री है और जो सी वैल्यू है ये आपकी पॉइंट टू सिक्स सेवन है ये हमने गलत लिख दिया दोस्तों सी वैल्यू जो है वो हमारी है पॉइंट इस कैलकुलेटर में भी देख सकते हो पॉइंट टू सिक्स सेवन इसका मतलब यहाँ जो सी वैल्यू है वो एक्चुअल में है हमारी पॉइंट टू सिक्स सेवन इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा पॉइंट टू सिक्स सेवन आएगी और पॉइंट टू सिक्स सेवन आएगी तो ये सारी करेक्शन हो जाएगी यहाँ पे पॉइंट टू सिक्स सेवन आएगी अगेन यहाँ पर पॉइंट टू सिक्स सेवन होगा और यहाँ पर अगेन पॉइंट टू सिक्स सेवन होगा इस हिसाब से अब आप कैपेसिटर की वैल्यू बता सकते हो वन डिवाइड बाई पॉइंट टू सिक्स सेवन तो कैपेसिटर होगा बेटे यहाँ पे थ्री पॉइंट सेवन फोर फेरेड का और यहाँ पे जो आ, रजिस्टर है वो क्या होगा वो रजिस्टर होगा आपका पॉइंट टू सिक्स सेवन डिवाइड बाई फाइव तो ये आपका बन जाएगा पॉइंट ज़ीरो फाइव थ्री फोर तो ये जो कैपेस्टर वैल्यू है ये वैल्यू बनेगी थ्री पॉइंट सेवन फोर फेरेड और जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो बनेगी पॉइंट जीरो फाइव थ्री फोर ओम इस टाइप से कंप्लीट फोस्टर फर्स्ट फॉर्म आरसी नेटवर्क्स के लिए आप यूज़ कर सकते हो इन सभी स्टेप्स को फॉलो करके आप कैसे भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो लेकिन जो भी फंक्शन आपको दिया जाए पहले बेटे आप टेस्ट कर लें कि वो जो इम्पीडेंस फंक्शन है क्या वो आरसी नेटवर्क का ही इम्पिडेंस फंक्शन है इसके लिए आपको आर सी नेटवर्क के इम्पिडेंस फंक्शन की सारी प्रॉपर्टी पहले जस्टिफाई करनी होगी अगर कोई फंक्शन सारी प्रॉपर्टी जस्टिफाई करता है तो इन सिमिलर स्टेप्स के साथ आप उसका नेटवर्क सिंथेसिस विद हेल्प ऑफ फोस्टर वन फॉर्म कर सकते हैं वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया बट ये कॉन्सेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट था ताकि आप सब लोग कंफर्टेबल हो सकें इसीलिए इसको बहुत बारीकी से और माइन्यूट डिटेल्स के साथ मैंने एक्सप्लेन किया है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इफ़ यू Like this video, then put your feedback in the comment section. Thank you.